प्लैनेट इन अ डिस्टेंट सोलर सिस्टम इज 10 times मोर मासिव देन ऑफ अर्थ। तो ये हम लोग अर्थ बना लेते हैं और ये एक प्लैनेट बना लेते हैं पी। ये है रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई और ये है मास ऑफ द अर्थ एम। जो सेकेंड प्लैनेट है उसके लिए बोला जा रहा है कि उसका जो मास है वो 10 times है, यानी कि ये है 10 m और इसकी रेडियस देख लेते हैं कितनी है। इट्स रेडियस इज 10 times ऑफ स्मॉलर, जो इसकी रेडियस है वो 10 times स्मॉलर है डिवाइडेड बाय 10, अर्थ की रेडियस। ठीक है, ये हमने लिख दिया। गिवन दैट द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ इज, तो यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी है वी ई उसकी वैल्यू हमें दी गई है 11 km/s। ठीक, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द प्लानट पूछी गई है, तो वे एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ प्लानट को वी पी नाम दे रहे हैं और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं फ्रॉम द सर्फेस ऑफ एनी प्लानट, वो हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक, तो बात करते हैं अर्थ की, या पहले बात कर लेते हैं प्लानट की फिर बात करते हैं अर्थ की। दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया एस्केप वेलोसिटीज को। तो वेलोसिटी वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी एट प्लानट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी, मास कितना है 10 m डिवाइडेड बाय आर ई डिवाइडेड बाय 10, क्लियर, और डिवाइडेड बाय एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये कितना हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाय आर ई। तो ये कितना हो गया, वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10 times ऑफ वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये हो जाएगा वी पी इज इक्वल टू 10 × 11, वी की वैल्यू 11 दी गई, तो ये हो जाएगा 110 km/s। क्लियर, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा सी। चलिए आप लोग यहाँ तक नोट कीजिए,